ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो जब आपने यहाँ पे घर हो और सुबह सुबह ये व्यू देखने मिलेगा, कैसा आपको लगेगा? मजा आएगी, मजे से चाय लेके आके भी। मेरा नुकसान किस तरीके से, जैसे आपको बताया मैं क्रिएटर हूँ। और राइट, सो भाई ये मेरा बैग है जो मैं क्लासेस में कैरी किया करता था, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम नजदीक है और अभी मुझे बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है ज्यादा करके। डेट्स मैं क्लासेस में अभी ये वाला बैग नहीं, ये वाला बैग लेके जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी बुक्स आ जाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्यादा कुछ बुक लेके जाना है नहीं। बाकी फाइनल एग्जाम में अपना मैं ये वाला बैग लेके जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर जो लॉकिंग मैकेनिज्म है एंड यहाँ पे मैं ताला लगा सकता हूँ एक्स्ट्रा। ये बैग मैं अपने शेल्फ में रख दूंगा जाके। और ऐसे वक्त में भी आपको दिखाओ तो अभी रात के जो पौने चार बजने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम आदम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। मैं सोने की मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नींद नहीं आ गया। डेट्स मैं डिसाइड ये क्या कर फटा से फैशन अप हो जाता। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर हुआ तो मैं एक या दो घंटे की नींद खेच लूंगा क्योंकि आज भी मैं शायद से क्लासेस जल्दी चल जाऊँ। बैठ के पढ़ाई करता हूँ मैं होते हैं मोहम्मद होते हैं। फिलहाल तो अभी जा रहा हूँ फ्रेशन होने के लिए रात के पौने चार बजे। बाकी ये मैं अपना बैग जो शेल्फ में रख दिया हूँ। वेल अभी काफी टाइम पे घूमते आ रहा हूँ एग्जाम एग्जाम करके, लेकिन मैं मेरा भी इनफ हो चुका है। मुझे ऐसा है कि अभी आखिरी के कुछ दिन बचे फाइनल एग्जाम के, तो मुझे ऐसा है कि भाई जल्दी टाइम गुजरे, ये टेस्ट खत्म हो, एग्जाम खत्म हो। ठीक है भाई, आई लव स्टडी, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। एक टाइम पे आपका भाई स्कूल में टॉपर था, जो मेरी क्लासेस की जर्नी थी आई लव इट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अभी कुछ आखिरी के दिन बचे करके मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई जल्दी ये दिन खत्म हो जाए। जब भी मैं एग्जाम एग्जाम करता हुआ तब आप एटलीस्ट कुछ लोगों को अपने एग्जाम के दिन याद आते होंगे। एंड जैसे आपने इस ब्लॉग का टाइटल पढ़ा, क्लासेस ज्वाइन करने के बाद जो कुछ चीजें मुझसे मिस आउट हुए हैं वो आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है फजर की नमाज का। All right, all ready to leave for classes। और ये आपके भाई का बैग हो गया। तो आज भी वक्त से पहले पहुंचने का हमने डिसाइड किया है, मैंने मोहन भाई ने। और बाकी आप देख सकते हो अच्छा खासा फॉग है आज और अभी अच्छा खासा ठंडा लग रहा है। और ऐसे आपके भाई को सिर्फ दो घंटे की ड्यूटी हुई है, दो घंटे से वही पहुंच एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, जिसकी सख्त जरूरत है। ये बात दुकान रास्ते से खुलना स्टार्ट हुई है। और ऐसे वक्त में भी आपको बताओ तो अभी सुबह के जो पौने 10 बजे रहे। देखिए भाई क्या प्यारा मौसम हुआ। और इसके साथ साथ पहुँची हमने क्लासेस। किसी ने पढ़ाया था, बाकी बोले होमवर्क, आज तक होमवर्क कर रहे। एल फॉर कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मोदी अपन क्वेश्चन से देख के सब नींद उड़ी जाती। नींद सुबह से नींद नहीं आ रही। प्रैक्टिकल में आपको ये बताऊं घर कैसा खरीदने का, मतलब पैसा दो। A few moments later। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पेपर एकदम फ्रेश गया, मस्त गया। मोहम्मद भाई आज का पेपर कैसा गया? मैं आज एक नंबर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज का पेपर कैसा गया आपका? क्या मस्त मौसम हो रहा है, देखो हल्के हल्के क्लाउड में। सो गाइस ये है खर्चा नंबर वन। सर ने हमको कहा थर्सडे की हमको एक पुस्तक लानी है, तो लगी आज मैंने भाई आज की आज ये पुस्तक खरीद लिया। अभी देखते हैं इसका क्या होता है। बड़े कोई टाइम के बाद में हमने एरिया के कहीं बाहर निकला और टैक्सी में बैठ के, और भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट राइड थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड ये आप देख सकते हैं भाई क्या ही नज़ारे हैं मुंबई के, क्या ही कहने, ये बड़े बड़े टावर्स, ये ट्रैफिक, ये गर्मी, लेकिन भाई जो भी है मज़ा आ गया। जैसे आप देख सकते हो गाड़ी से बाहर निकले हम, लिफ्ट में चढ़े भाई, मैं था, रायल था मेरे साथ में और भी कुछ लोग थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। वैसे लिफ्ट में आजू बाजू में मिरर्स तो लगे थे, मुझे लगा एक दो में मिरर शॉर्ट्स लूंगा, लेकिन भाई मुझे मौका मिला नहीं क्योंकि लिफ्ट फुल पैक थी। और देखते देखते मैं फ्लोर भी आ गया था लिफ्ट के बाहर निकलने के बाद, जो मैंने देखा भाई कोई बड़े टाइम बाद एक तो टैक्सी का सफर हुआ है। और भाई अभी हम आए मुंबई सेंटर पर एक काम से, और यहाँ पे हम 8th फ्लोर पे वैसे एक टावर के, एंड भाई यहाँ से व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। हेल कैसा लगा अभी मुझे, यहाँ पे का टाइम लॉस निकलेगा भाई, जस्ट चेक आउट द व्यू। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू भाई साहब। अभी वैसे मैं 8th फ्लोर पे, क्या व्यू है भाई। वैसे अभी हल्का फुल्का फॉग है करके क्लियर नहीं है, लेकिन जब क्लियर वेदर होगा तब भाई क्या ही ब्यूटीफुल सा व्यू आता होगा। जस्ट लुक एट दिस यार, एक नंबर भाई। उस स्टार वाले के तो मज़े हो गए भाई, क्या व्यू आता होगा स्पेशली ऊपर वाले को, नाइस। तो जब आपने यहाँ पे घर हो और सुबह सुबह ये व्यू देखने मिलेगा, कैसा आपको लगेगा? मज़ा आएगी, मजे से चाय लेके आके भी एकदम चाय लेके
सही है भाई। A few moments later, काम वगैरह सब खत्म करने के बाद जैसे हम लिफ्ट में गए तो लिफ्ट में हमें ये एक जीव दिखाई दिया, जीता जागता। क्योंकि ऐसी जगह पे रोज अपना आना होता नहीं है तो ऐसे लिफ्ट को मैं ताड़ आता है। जैसे अपना ग्राउंड फ्लोर आया एंड जैसे लिफ्ट से बाहर निकला तो ये सुना मैंने, वेलकम सर। जो सुनकर लिटरली मुझे एक बिजनेसमैन वाली फीलिंग आई। एंड भाई ये वो टावर था ओजोन बीच सेंटर करके, जो कि मुझे काफी सही लगा। और वैसे मुंबई की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इसको ऐसे नहीं कहते सपनों की नगरी। बड़े बड़े टावर्स को देख के, छोटी छोटी गलियां को देख के, यहाँ पे रहते लोगों को देख के लिटरली एक अलग ही मोटिवेशन सी मिलती है। और वाकई में भाई मुंबई एक सपनों की नगरी है जहाँ पे काफ़ी लोगों की किस्मत बदली है। तो भाई देखा मैं मोबाइल की नगरी खत्म हुई। और बाकी आते वक्त जाते वक्त भाई क्या खतरनाक किस्म की ट्रैफिक मिली। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। आई डोंट नो क्या हुआ है, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो मैं रात में सोने की मैं कोशिश करता लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। और वैसे भी सुबह के जो है वो 6:45 वाले, पूरी रात भर मैं नहीं सोया हूँ। इवन तो मुझे नींद आती है लेकिन पता क्या होता है, सो ही नहीं पाता। पिछले कुछ दिनों से, उससे पिछले एक हफ्ते मुझे पता नहीं ये मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक फिक्स होगा। जैसे आपने ब्लॉग की शुरुआत में कहा था, शायद शुरुआत में बात थी स्पेशली एंडिंग का, ये जो वक्त अभी चल रहा है उसमें मेरा नुकसान हो रहा है ना। नुकसान किस तरीके से, जैसे आपको बताया रहा है मैं क्रिएटर हूँ, ब्लॉग्स के अलावा भी बहुत से मैं शूट्स करता हूँ, क्लाइंट्स के वीडियोस एडिट करता हूँ। अभी अगर मैं आपको जैसे भी आपको ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, शोर शराबा आपको थोड़ा दे रहा है, वो बेसिकली अंदर की सफाई हो रही है, समझ जाओ जमीन के अंदर की सफाई हो रही है। तो ये भी कुछ पिछले एक हफ्ते चालू है। तो मेरा जो पूरा दिन ऑलमोस्ट अपने लैपटॉप पे निकलता है, वीडियोस एडिट करते हुए या तो फिर ब्लॉग रिकॉर्ड करते हुए मेरा दिन गुजरता है। और द थिंग इज कि अभी लिटरली मुझे 4 से 5 शूट करना है जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है फाइनल सेमेस्टर की है, जिससे कि ऑब्वियसली मेरा नुकसान है। लेकिन ऑन द अदर साइड मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ दिन कुछ हफ्ते बचे, एग्जाम वगैरह होने के बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी एक बात है, अभी सिर्फ कुछ हफ्ते और उसके बाद अभी शूट ही शूट है। तो ऐसा कोई सिचुएशन है फिलहाल, रात को नींद नहीं आ रही है, शूट मेरा हो नहीं पा रहा है। बाकी मेरा पेपर जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, बट थर्सडे के दिन मैंने एक आखिरी टेस्ट पेपर, उसके बाद कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटीज होगी जिसमें अपने पैसे खर्च हो गए, उसके बाद फिर सीधा फाइनल पेपर। माहिर रमजान का पाक मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। रमजान में तो कहीं ना कहीं मेरे फाइनल पेपर शुरू हो गया, लेकिन कोई नहीं, पाक बहुत बड़े इंशाल्लाह हो जाएगा। सुबह सुबह मैं नहा दो एकदम फ्रेश अप हो जाता हूँ, मजा आता है एकदम सुकून। व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है तो अभी मेरी नींद का पारा बढ़ते जा रहा है, अदर गेम्स करूंगा इंशाल्लाह उसके बाद खत्म, लास्ट फिनिश, गुड नाइट हो जाएगा। लिटरली मैं गुड मॉर्निंग होने के बाद भी गुड नाइट दिया। एनीवेज ये भी दिन है जो कि याद आने वाला है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। अलाइट गाइज, गुड आफ्टरनून। दोपहर का वक्त मैंने दिल में खड़ा हूँ, माशाल्लाह था क्या मस्त हवा चल रही है। कोई बड़े टाइम पर आपको विंडो से ये व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं हवा क्या मस्त चल रही है। वैसे जाली में मैं आया था काम से, जैसे आप देख सकते हो जो मेरा सामान है वो साइड में पड़ा हुआ है, क्योंकि मॉनिटर मुझे सेंटर मिला था। मॉनिटर को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटअप किया हूँ, तो यहाँ पे ट्राइपॉड को यहाँ पे आप देखते हो जाली के साथ में बांध दिया हूँ करके, एकदम जगह पे फिक्स है, नहीं तो बीच में ये हिलता डुलता रहता। जैसे मैं दिल में निकला था और ये अपना काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपके भाई के फरमाइश पे बनी थी चिकन बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। तो गाइस अभी आपको एक मोई न्यूज सुनाता हूँ, आई मीन एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाता हूँ। कल जो हमारा पेपर होने वाला था पोस्टपोन होकर मंडे का हो गया, जो कि बढ़िया हुआ, जो हुआ बढ़िया हुआ। इस व्लॉग के शुरुआत में या फिर मिडल में मैंने कहा था कि अपनी एक्टिविटीज भी शुरू होने वाली है साथ ही साथ, जिसमें पैसे खर्च होने वाले। तो बस भाई कल अपनी एक्टिविटी है, कल आपका भाई जाएगा कॉलेज जिससे आपके ब्लॉग देख रहे हो, कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा वो तो वहीं पे चल के पता चलेगा। जैसे आपको ने कहा था पैसे अपने खर्च हो गए, एक्टिविटी होगी उसके अंदर, तो मैं शुरुआत हो चुकी है अभी से। अभी जाना भाई कार्ड वर्ड बनाना, मुझे एकदम सडनली क्लासेस के ग्रुप में मैसेज आया, बस सभी के सभी बच्चे उथल पुथल हो गया, घर पर कॉल आना स्टार्ट हो गया, मेरे को भी जो डाइजेस्ट करने में टाइम लगा कि भाई क्या हो रही है। तो एनीवे सभी में जा रहा हूँ एक कार्ड बनाने के लिए, जो कार्ड से मुझे वहाँ पे एंट्री मिलेगी कॉलेज में। मैं कल सुबह से मैं आपको मैं कॉलेज लेके जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये आधार कार्ड भी साथ में लेके जाने का मुझे कल, तो ये भी मैंने अभी से निकाल के रख दिया साइड में, फिर कार्ड को लेमिनेशन वगैरह भी करना है। उसी के साथ साथ जो मैंने अपने ब्लॉगिंग वाले फोन के ऊपर प्राइवेसी गार्ड लगाया था, टेम्पर ग्लास लगाया, तो वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही फूट गया। टूटा फूटा कांच देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो अभी से मुझे मैं टेम्पर ग्लास चेंज करवाना है, क्योंकि मैं अभी साथ ही साथ खड़ा रहूँगा। चलो चलते हैं भाई, खर्चे में खर्चे में लाख में शूट करें ज़्यादा कुछ। तो भाई ये अपना कार्ड भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपना यहाँ पे ग्लास खेल रहा है, इधर रख दियो। सही है भाई, ये ले वाला, ये प्राइवेसी नहीं है। ये प्राइवेसी ग्लास में निकाल के सादा वाला ग्लास लगा दिया, क्योंकि प्राइवेसी वाला ग्लास अवेलेबल था ही नहीं मेरे फोन का, और दूसरी जगह मिला था वो एक्सपेंसिव मिला था, तो इतने मुझे पैसे खर्च करने हैं नहीं। ऑलराइट गाइस, फाइनली आपके भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है लगभग एक हफ्ते के बाद। आज रात में घोड़े बेच के सो गया, तो ऐसे भी सुबह के जो है वो
7:22 हो रहे हैं। अभी मैं सीधा कॉलेज जाने की तैयारी करता हूँ, वो सब मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट एंड बाकी फॉलो मोर देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे एंड फॉर मिलता हूं वाचिंग नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। I wanna say alhamdulillah, God gave me everything.